तो गाइस ये रहा सावन का स्कूटी, आज जो है अपना स्कूटी को बिहार लेके जाएंगे क्या सावन? ये ले जाइए और क्या, आज तक ब्लॉग में बने रहिएगा। रागनी के लिए जो स्पेशल जलेबी ले रहे हैं और मम्मी के लिए आज विश्वकर्मा पूजा है। और अभी हम पहुंच चुके हैं मानार मार्केट, देखिए इधर साइड में, और ये स्टेशन रोड पड़ जाता है हमारा। यहाँ से बैग लेकर के नहीं गए थे इसलिए झोला में काम चलाना पड़ रहा है। देखिए सारा सामान रख लिया घर का, जो जो डिमांड था इसके अंदर, और हमारा कपड़ा भी रखा हुआ है। तो अभी चलते हैं घर, अभी झारखंड से अभी तुरंत आए हैं, जैसा कि आप लोगों ने ब्लॉग देखा है। अभी घर जाते हैं, मूर्ति जा रहा है देखिए पूजा के लिए। ये पड़ जाता है हमारा मेन मार्केट के मानार का। यहाँ से गाड़ियाँ वाड़ी आपको पकड़ना होता है, जैसा हमने बताया आपको, इधर स्टेशन रोड पड़ जाता है और ये हमारा मेन चौक पड़ जाता है देखिए मानार का। देख लीजिए अभी निकलते हैं यहाँ से ऑटो पकड़ के घर, फिर घर पे मिलते हैं आप लोग से। पहुँच चुके हैं घर पे और मम्मी देखिए किस तरह से इंतजार कर रही थी। हाँ लेट हो गया था, इंतजार नहीं करेंगे, लेट नहीं, ट्रेन थोड़ा लेट था ना, 3 घंटा लेट हो गया था ट्रेन, लेट हो गया। हम 3 बार वहाँ से घूर करके आए इसीलिए। और देखिए हमारी छोटी भांजी को देख लीजिए, इसका दांत अभी तक बड़ा नहीं है। हेलो, रख दीजिए इसको, रखने कहाँ है। तो फाइनली पहुँच गया घर पे, देखे कितना पसीना पसीना हो गया। और देखे यहाँ पे बाबू लोग, पापा वहाँ पे लेटे हुए हैं, पापा लेटे। कैसे पापा, ठीक है कि नहीं? पापा ठीक है, अभी चलिए नहाते हैं, अभी रागनी से भी मिल लेते हैं, फिर उसके बाद नहाएंगे, पूजा करेंगे। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। और दोस्तों देखिए हमारी दोनों प्यारी बहनें एक दिन घर से दूर चले गए थे, ठीक हो दोनों? ठीक है। हाँ, दोनों के लिए जलेबी आया है। इसका आँख का क्या हो गया, खुल गया? देखिए देखिए देखिए, जा ये तो कार्टून लग रही है। अच्छा ठीक हो जाएगा, कैसे फूल गया? हो गया, हाँ खट्टा खाती है इसीलिए। दोस्तों अभी नहा करके बढ़िया से फ्रेश हो गए, क्योंकि एक दो दिन का सफर लग जाता है झारखंड से आने में। तो अभी देखिए आपकी प्यारी बहन लोग क्या कर रही है, मिलकर जो है कुछ बना रहे। क्या बना रहे रागनी? पूरी बनाएंगे, पूरी बनेगा आज घर में और बाबू लोग खाएंगे। देखिए किस तरह से ये लोग इंतजार कर रहा है खाना खाने का। वैसे खाना बना हुआ है ना? खाना बना हुआ है। देखिए ये क्या है, सब्जी? क्या चीज का है? अच्छा कचरी का सब्जी बना। देखिए हमारे यहाँ कचरी का सब्जी किस तरह से बनाया जाता है देख लीजिए। किसका? केला का है ना? केला का फूल, केला का फुल्की का जो है मिला करके बनाया जाता है। तो देखिए धूप भी निकल चुका है और अभी टाइमिंग हो रहा है 11 बज रहा है अभी। बाइक भी धुल लिए और साइकिल भी धुल लिए और हमारा ये देखिए जीवन साथी है कह सकते हैं एक तरफ से। कहीं भी जाते हैं तो अगर पेट्रोल गाड़ी का ख़त्म हो जाता है, पैसे वगैरह नहीं रहते, तो साइकिल से काम चला लेते हैं। जब पैसे रहते अपने पेट्रोल डलवा लेते हैं, फिर बाइक से निकलते हैं। तो चलिए पूजा को आरंभ किया जाए। और ये है अगरबत्ती और मिठाई, और देखिए चावल में जो है जो लड्डू को जो मिक्स किया जाता है फूल है। चलिए अभी पूजा करते हैं एकदम भक्ति श्रद्धा से, आप लोग भी कीजिएगा। पहले आप लोग को विश्वकर्मा पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं, घर में रहिएगा, बढ़िया से सेफ रहिएगा, आज पूजा कीजिएगा और मम्मी पापा का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखिएगा। कर लिए हैं और अभी मम्मी पापा का आशीर्वाद लेते हैं, अभी चलते हैं, पूरी वूरी बन रहा है, खाएंगे बढ़िया से रागनी के साथ में और जलेबी खिलाएंगे, खूब मस्ती करेंगे हम लोग घर। और मम्मी कुछ कह रही थी, क्या कर रही थी मम्मी? हम कह रहे थे जो बाबू लोग को प्रसाद खाने के लिए, हाँ। भाई पूजा किए है, हाँ। तो मम्मी बुला रही है, भाई बुला रहे, पापा भी खा रहा है, आप लोग आइए प्रसाद खा लीजिए। लीजिए प्रसाद खा लीजिए आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों रागनी जो है पूरी बना ही रही है देख लीजिए, और अभी सभी बाबू लोग को जो है प्रसाद ही खिला दे, फिर जलेबी खिलाएंगे मम्मी पापा सबको। आओ इधर आप लोग, रागनी को भी प्रसाद खिला देते हैं। सुहानी और मम्मी पापा को खिला देते हैं, बाबू सब तो खा ही लिए हैं। तो गाइस अभी जलेबी लाए हैं, तो पहले जलेबी खिलाते हैं, फिर उसके बाद जो है पूरी वूरी खाएंगे, फिर आप लोगों को भी खिलाने के लिए। और दोस्तों पूरा परिवार के लिए जो है खाना निकल चुका है, देखिए ये पूरी और जलेबी जो हम लेके आए थे रागनी के लिए,
और ये सब्जी जो केला वाला सब्जी बनता है, कचरी बनता है, कचरी का सब्जी बनाया जाता है वो है, आप लोग यहाँ बनता है कि नहीं कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अभी चलिए सारा परिवार बैठकर आज खाते, क्योंकि आज जो है त्यौहार है, विश्वकर्मा जी का पूजा है। और देखिए आपकी बहन देखिए यहाँ पे वेट कर रही है, और पापा भी, बच्चे सभी लोग बैठे हुए हैं। तो चलिए पहले खाना खाते हैं। उसको देखिए हमारा पूरा परिवार जो है एकदम बढ़िया से बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि आज जो स्पेशल खाना है, जैसा कि मैंने बताया, पूरी देखिए और दही भी मम्मी लेकर के आ गई है, और सब्जी और जलेबी, और जलेबी जो राघनी का फेवरेट है और मम्मी का फेवरेट। हाँ, टूटी टूटी दांतों से एकदम टूटी फूटी जलेबी खाएगी, मम्मी के फेवरेट है। हमारे बाबू सब देख रहा है, उसको भी फेवरेट है, बाबू सब के बुलाओ। बाबू इस दिन गोलगप्पा के लिए हमको मतलब वहाँ से किया, जो मम्मी अपने आज गोलगप्पा खा लिए, हमारे नहीं कुछ। पापा बिल्कुल शांत बैठे हुए, पापा तो जलेबी खाते, ऐसी बात नहीं है। और पापा का एक दो दांत टूट गया, इसलिए सोचे पापा का भी दांत लगवा देंगे, ठीक है। पापा सभी लोगों को बोलिए खाना खाने के लिए। हाँ बच्चों, आप लोग खा लो, मेरे भी नाती नतनी ये सब बच्चों है, बिल्कुल पानी खिलाएंगे, आपको खिलाएंगे, बिल्कुल, इसके बाद हम लोग खाएंगे, बिल्कुल। तो दोस्तों अभी जो हम लोग खाना खा, तो दोस्तों ये है, अब राघनी को जलेबी खिलाते हैं, जैसे मैंने बताया था इसका जलेबी फेवरेट है, मम्मी पापा सभी लोगों को खिला दिए, एक सुकून आता है पूरा परिवार को खिलाने में, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। खाओ खाओ, दांत तो तुम्हारे नहीं टूटा मम्मी, खा ले खा ले। और ये जलेबी जो है आपके छोटी बहन सुहानी को खिला देते हैं, और ये इसको चौमिन चाहिए था, चौमिन जो आज नहीं मिला मार्केट में, क्योंकि आज जो विश्वकर्मा जी का पूजा है तो बुनिया छनाया जाता है, और चौमिन वोमिन जो बंद है सारा कुछ, जलेबी वगैरह होता है। तो हमारे घर में सबसे ज्यादा जलेबी फेवरेट है, और मिठाई तो प्रसादी में सब लोग मिठाई खिला ही दिए, आज जलेबी खिला देते हैं, और इसके लिए जो चौमिन नहीं लेके आए तो इसको 10 रुपया दे देंगे। तो कई घंटा खाने में बहुत कमजोर है, देख रहे हड्डी उड्डी हो गया सूख करके एकदम, को बोलते कि खाया करो, नहीं खाती है, खाएगी तनी मोटा उठा जाएगी, हमारे जैसे तो अच्छा रहेगा। चलो मम्मी के हाथ से तुम ही खा लो, बेटा तो ऐसा है, जब तक मम्मी पापा खाना नहीं खाते हैं तब तक ही बच्चा मेरे नहीं खाते, मम्मी पापा के खाना खिला करके तो आप लोग खा लिए, अच्छा लगता है। घर में इकलौता बेटा हम ही है, करना तो हमको ही, अगर ऐसा कुछ काम कर जाए ताकि दुनिया देखे जो हाँ माँ बाप के लिए ऐसा काम किया है, ताकि हम भी आप लोगों को कुछ सिखा सके। तो इसलिए दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा ब्लॉग में, जो आप लोग थंबनेल वगैरह देख करके आए हैं। तो गाइस ये रहा सावन का स्कूटी, आज जो है अपना इस स्कूटी को बिहार लेके जाएंगे, क्या सावन जाइए ले जाइए और क्या। तो दोस्तों ये है सावन का स्कूटी, और सावन ने शायद ये यूट्यूब पेमेंट लिया, क्या सावन? हाँ, यूट्यूब पेमेंट से ही लिया, इसको बोलते हैं तरक्की। अब हमारे लाइफ में कब स्कूटी आएगा सावन? अरे आएगा, बहुत जल्द आएगा, मेहनत करते जाओ, क्योंकि देखो यार यूट्यूब पे आया तो पैसा मत सोचिए, बस ये सोचिए कि आप अपना रियल जो अपना मतलब बोलते हैं ना कि रेगुलर रहिए और काम पे ध्यान देते जाइए, ये सब पता ही नहीं चले कब होगा, मेहनत करते रहिए और क्या। आपको भी मेरी तरफ से पूरा आशीर्वाद है, हम भी आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं, सावन एक दूसरे को समझिए कि भाई की तरह हैं, और ऐसा नहीं कि हम लोग कभी बड़े मानते हैं, ये हमको छोटे मानते तो हम इनको छोटे मानते हैं, एक दूसरे के हिसाब से। और मम्मी पीछे से, जैसे कि हमारी मम्मी पीछे से देखती रहती है किसी भी चीज़ में, माँ तो माँ होती है। तो गाइस क्या कहेंगे, ये हमारा स्कूटी नहीं सावन का है, ठीक है, कोई नहीं, आप समझ रहे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और फैमिली व्लॉग आप लोग को जिस तरह से मिलते रहेगा उस तरह से मिलते रहेगा। अगर आप बिहार समस्तीपुर से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अदर स्टेट से देखिए तो पूरा फुल सपोर्ट दिए आप लोगों का, और इसी तरह प्यार दुलार बनाए रखें अपने राजा भाई के, सावन भाई पे अभी नहीं, सावन भाई के ब्लॉग में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करो। चलिए लास्ट आप लोग को देखने के लिए बहुत पसंद है। दोस्तों रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं अभी? अभी मम्मी का डिमांड है कि आप लोग जो है 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए, और सब्सक्राइबर जो बहुत ही कम बढ़ रहे हैं। दोस्तों आप लोग बताइए क्या ब्लॉग में हमसे कोई गलती हो रहा है? प्लीज इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 2 लाख सब्सक्राइबर सिर्फ कंप्लीट करवाइए, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा कि हम भी किसी लेवल पे जा रहे हैं। और आप लोग कमेंट करते रहते हैं कि सिल्वर प्ले बटन कब आएगा, बहुत सारे व्लॉग आने वाला है, यार दुलार दिखा दीजिए, आशीर्वाद दिखा दीजिए। आप लोगों जैसे फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश है, रागनी भी खुश है, मम्मी पापा सब लोग खुश है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। के लिए आशीर्वाद, और बेटा बेटी के लिए सबको आशीर्वाद हर समय देते हैं, दूरों से चाह नहीं बनते हैं, बिल्कुल। तो भाई नहीं था यहाँ तो चाह नहीं बना, तो मम्मी आशीर्वाद नहीं दिए है दूरों से,
लेकिन हर समय हम आशीर्वाद के लिए मम्मी तैयार है, वैसा ही आशीर्वाद आप अपना भाई को दीजिए। अब भाई को 2 लाख तक आप लोग, आप ही लोग के सपोर्ट है, आप ही लोग हमारे सब कुछ है। आप लोग देख रहे हैं, आप अगर नहीं आगे बढ़ाइएगा तो भाई कुछ करेंगे, भाई का मेहनत है, अब बढ़ाना आपको है। चैनल को आप लोग दबा के सब्सक्राइब कीजिए। एक समस्तीपुर से कोई अगर लड़का अगर मिडिल क्लास से बढ़ रहे तो बढ़ाइए आप लोग, आप लोग प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए, इसी तरह आगे बढ़ाते जिस तरह 1 लाख फैमिली तक लेके आए, 2 लाख फैमिली और 1 मिलियन तक का सफर करवाइएगा। इस तरह प्यार दुलार देते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रागनी, सभी को थैंक यू बोलो। थैंक यू भैया। हाँ, थैंक यू भैया करते रहती है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग।